डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी में हम भी हिस्सेदार हैं, लेकिन जो दुकान लगा लिया बेचारा उसको एक दो दिन का वक्त दे दिया तो उन्हें जो कर्जा करके लेके आया, जो जहाँ जहाँ से भी क्रेडिट लेके आया उन लोगों को जिम्मेदारी रहती है उसको वापस दे दे रही थी। उसको सामान निकालने के बाद उसको जमीन उन पोजिशन लेने में अपने कोई इतराज नहीं है, उसका सामान तो बेचारे का डैमेज हो जाता है, उसको बुला के लिखाई पढ़ाई कर लेके एक दो दिन का वक्त दे देगा, दुकान खाली करा लेना। नौजवान बच्चा है, उन्हें यहाँ का मुकामी है, लोकल है, कारवान का है, उन्हें धंधा करके जी ले रहा। वो आज दुकान नहीं है, आज लगते भी दुकान एक साल हो गया, वो एक साल तक क्या कर रहे, तहसीलदार क्या कर रहा है, आर आई क्या कर रहा है, VRO क्या कर रहे हैं। मैं 50 बार बोला आज जियागुड़ा में कब्रस्तान ग्रेवयार्ड को कब्जा कर ले रहे, क्या कर रहे तहसीलदार साहब, सो रहे क्या? मैं भी कलेक्टर साहब से बात करता हूँ इस मामले में, ठीक है। हम भी कोई भी लैंड ग्रैबर को और जो ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं गवर्नमेंट के ज़मीनों को, उनके फेवर में हम कभी भी नहीं रहते, क्योंकि ये गवर्नमेंट के लैंड बचाना हमारी जिम्मेदारी है। मैं बहुत बार बोला तहसीलदार साहब को, लेकिन तहसीलदार साहब कान पे की जूमी उनको नहीं रेंगती। कौन से तहसीलदार है, कहाँ के तहसीलदार है? तहसीलदार आसिफ नगर में बहुत बार दूसरे मामलों में बोला गवर्नमेंट ज़मीन हाथ मोगल के नाले के पास हो या जियागुड़े में हो, गुड़ी मलकापुर में हो, बहुत सारे जगह भोजागुट्टे में करोड़ों रुपये का ज़मीन गवर्नमेंट के खा गए लोग, बने तक क्या कर रहे हैं, बनाए ये बना के भी एक साल हो रहा, वो दुकानदार को मौका दे बोल रहे जमीन किसकी है, जमीन तुम्हारी है ले लो, जमीन हुकूमत गवर्नमेंट की गवर्नमेंट ले लो, लेकिन जो धंधा कर रहा उसको रहता तो देना रहा, उसको एक दो तीन दिन का टाइम दे दे तो सामान शिफ्ट कर लेता, उसके बाद कब्जा ले लो, इतना ही बोल रहे हमारे उसमें तहसीलदार से यही बोल रहे, ठीक है। मैं भी कलेक्टर से पास जाके तहसीलदार के खिलाफ मैं भी बोलता हूँ, क्योंकि तहसीलदार गवर्नमेंट लैंड्स को प्रोटेक्ट करने में पूरा नाकाम है। तहसीलदार कहीं भी गवर्नमेंट की लैंड को मैं जहाँ जहाँ भी बोला कहीं भी प्रोटेक्ट नहीं करा हूँ, जो लोग पैसे दे रहे हैं उन लोगों के ताइज में रह रहा, जो पैसे नहीं दे रहे उन लोगों को तोड़ दे रहा, ये हमारी भी शर्मिंदगी है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट इस वास्ते KCR साहब चीफ मिनिस्टर साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हर वक्त बदलने के वास्ते कोशिश कर रहे हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का करप्शन डिपार्टमेंट शायद हिंदुस्तान में कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा, बोला पैसे ले लेते जो पैसे दे रहे उन लोगों के मकान गवर्नमेंट जमीन में बन जा रहे, जो पैसे नहीं दे रहे उन लोगों की हालत ये हो जा रही। मैं सख्त इसके खिलाफ हूँ, हमारे CM साहब भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पूरे बदलने की कोशिश में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बहुत सारे तब्दीलात लाने की कोशिश में, क्योंकि करप्शन बंद हो जाना, और करप्शन बंद होना बोलो तो इन लोग ऐसे चीज़ें छोड़ देना, गवर्नमेंट के लाइन को प्रोटेक्ट करना, गवर्नमेंट लाइन को प्रोटेक्ट नहीं करके बेचारे गरीब आदमी जो है उसको सता रहे होना। मैं अपील कर रहा हूँ हमारी सरकार हमेशा गरीब आवाम के साथ, धंधे करने वाले के साथ है, नौजवान साथियों के साथ है, इन लोगों के साथ हमारी हुकूमत है, इसलिए मैं अपील कर रहा हूँ तहसीलदार साहब से गवर्नमेंट लैंड बचाओ, लेकिन गरीब लोगों को न तो ये एक ही डिमोलिश करे और कहीं आगे भी करे ये किच करे और कहाँ करते बोलते हो, हर जगह से सब माल मिल रहा है उनको, मसाला मिल रहा है, कहीं भी ना करे बेचारा है दुकानदार है। అందుకే సార్ వాళ్ళు స్టాక్ కావద్దనే అది వద్దు షీట్స్ ఒకటే ఎవరికి ఇచ్చారు మీరు షాప్ ఓనర్కి ఇచ్చారు, పొజిషన్లు ఎవరున్నారు
ఏం చేస్తారు సార్ వాళ్ళ బంద్ చేసి అరే పాప షాప్ అరే షాప్ ఓనర్ క్లాస్ కావద్దు సార్ సరే ర్యాండ్ అర్థం ఉంటే దాని జైలు పీటీ యాక్ట్ చేయండి ర్యాండ్ డ్రాపింగ్ చేయండి లంచ్ వరకు ఏం చేస్తున్నారు ఒక్కరు కాదు కదా పని సార్ ఇదంతా కట్టింది సార్ ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు మీరు మీరు సార్ చేస్తున్నారు రిటైర్లు ఆడదాం కాదు.